ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ इसी एक्सरसाइज का, जो हम कर रहे हैं आपका 7.3 का नाइन्थ क्वेश्चन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी, और वैसे भी आपका लॉजिकली भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन पे बेस्ड है। सो लेट्स डिस्कस दैट। ये कह रहा है हाउ मैनी विद और विदाउट, आप कितने बना सकते हो या तो विद और विदाउट मीनिंग, उसके मीनिंग से कोई मतलब नहीं है हमें कहने, मतलब ये है कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। अब मंडे से आप कितने लेटर बना सकते हो, ठीक है, जहां पे एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, आप ये मानोगे कि आपको तीनों के लिए ये कंडीशन मान के चलने की आपको कोई भी लेटर को रिपीट तो करना ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन कहती है आपको, अगर आपके पास चार लेटर से बनाना, आपको किससे बनाना, आपको चार लेटर से, ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन तो बहुत इजी है, तो फोर लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम। अब बच्चों अगर आपको सिर्फ चार लेटर का इस्तेमाल करना है तो आप इसमें परम्यूटेशन का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका परम्यूटेशन का वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टोटल दो वर्ड कितने आपके 1 2 3 4 5 6, आपके पास छह वर्ड है और परम्यूटेशन, और आपको कितने चाहिए यहाँ पे, सिर्फ आपको चार वर्ड चाहिए, तो कितने चाहिए आपको यहाँ पे चार, तो कितना हो जाएगा आपका 6 - 4, ठीक है बच्चों। ये जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये जो है 6 - 4, ठीक है बच्चों। तो हम इसको राधा ऐसे ना लिखे, हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये आपकी परमिशन हमें निकालनी है 6 P 4, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है बच्चों। ये आपकी कंडीशन है कि आपके पास छह लेटर है, आपको चार वर्ड चाहिए, चार लेटर चाहिए, छह लेटर में से चार लेटर चाहिए जो कि आपकी रिपीट ना हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 upon 6 - 4, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, तो पर यहाँ पे कितना आ गया आपका 6 × 30 30 और 4 × 120 120, 3 × 360, तो 360 वेज, यानी कि आप 360 वर्ड बना सकते हो चार लेटर वाले, किसकी हेल्प से, मंडे की हेल्प से। जो बात समझ आ गई यहाँ पे, आपको लिखना कैसे, यहाँ पे 6 P 4, ये आपका परम्यूटेशन कंडीशन होगी, यहाँ पे आपको चार लेटर चाहिए छह लेटर से जो कि रिपीट नहीं होने, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या, आपको ऑल लेटर रिपीट, तो ये तो बहुत सिंपल है, और आप देखो तो ऑल लेटर आर रिपीटेड, अगर सारे के सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल कंडीशन क्या होती है परम्यूटेशन की, आपके 6 लेटर हैं, 6 ही आपको यहाँ पे चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सीरीज के हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 30 120 360, और कितना आ जाएगा तो 720, कितना आपका 720, ठीक है बच्चों। यानी कि आप 720 तरीके से इन लेटर्स को फॉर्म कर सकते हो, यानी 720 लेटर आप बना सकते हो उससे, अगर आप कोई भी नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हो, सारे लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये दोनों पार्ट आपके रादर बहुत इजी पार्ट थे। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। जो आपका थर्ड वाला पार्ट है वो ये कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ, थर्ड वाले पार्ट कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज बट दी फर्स्ट लेटर वॉवल। तो अगर फर्स्ट लेटर वॉवल होगा या वॉवल होगा, तो आप देखो आपका वर्ड क्या है, MONDAY, यानी कि आपके पास दो लेटर है। तो मैंने आपको जैसा था ना उसमें बताया था मैंने आपको काउंटिंग ऑफ नंबर्स में, कि अगर आपके पास दो लेटर हैं, यानी कि जो पहला प्लेस हो जाएगा आपका वो तो आप दो तरीके से भर सकते हो, वो उसको आप दो तरीके से भर सकते हो। तो अगर आपने इसको दो तरीके से भर लिया, आपने इन दोनों में से कोई भी एक लेटर वहां पे ले लिया, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, अगर आपने इन दोनों में से कोई एक लेटर ले लिया यहाँ पे, मान लो आपने, क्योंकि सिर्फ कंडीशन क्या है कि फर्स्ट लेटर वॉवल, तो आप फर्स्ट लेटर को या तो आप ए को ले लो या ओ को ले लो, उन दोनों के आने के चांस कितने, दो, या तो कभी का ए को ले गो या कभी आप क्या ओ को लोगे, तो उनके चांस कितने हो गए, दो। अब बाकी अगर आप ए को निकाल दो, आपने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, यानी 5 का फैक्टोरियल, बच्चों पास में आ रही है। थोड़ा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि अगर आपके पास में आपको इसी जो टॉप, ये जो लाइट
लेफ्ट मोस्ट पार्ट है उसमें आपको क्या लेना है, आपको आपको या तो आई या तो ए आना चाहिए या आपका ओ आना चाहिए, तो वो आने के चांसेस कितने हैं आपके, टू। बट बच्चे कितने, अगर आपने यहाँ पे दो ले लिया मैं सबको एक ले लिया तो फिर कितने बचेंगे आपके पास, फाइव का फैक्टोरियल, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, टू इंटू फाइव फोर थ्री टू वन, तो कितना हो गया आपका, बीस, बीस साठ, एक सौ बीस और दो सौ चालीस, टू फोर्टी। बात समझ रहे हो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने कोशिश भी किया आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की, और फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो प्लीज डोंट हेजिटेट फॉर दैट, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैनल को बनाने का या इस पर्टिकुलर इस थीम को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का, सिर्फ यही है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं, हमारे पास मैथ की भी, हमारे पास फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी काफी सारी वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसके साथ साथ अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है, केमिस्ट्री में कोई डाउट है, तो यू कैन गो फॉर दी अदर वीडियो एज वेल। हमारे पास प्ले लिस्ट, आप जाके किसी प्ले लिस्ट में पर्टिकुलर चैप्टर की प्ले लिस्ट आप ढूंढ लो कि आपका कौन सा चैप्टर हुआ एनसीईआरटी में, उस चैप्टर को आप जाके गो थ्रू हो जाओ, उसमें सारे वीडियो आपको दे रखी है। ठीक है जो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।